જે કહેવાતા દાદાઓ ત્યાં ક્યાંક લતીફ, ક્યાંક ઇદુસેક, ક્યાંક કોઈક, ક્યાંક કોઈક, બધા ગુજરાત છોડીને પલાયન. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ગુજરાતમાં શાંતિની સ્થાપના કરી. શાંતિ અને સારી કાયદો વ્યવસ્થા વગર ક્યારેય વિકાસ નહીં થાય. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी चुनावी रैली में जिन तीन डॉन का जिक्र किया, उनमें एक नाम है लतीफ, पूरा नाम अब्दुल लतीफ, जिसकी एक दौर में गुजरात से लेकर मुंबई और दुबई तक अपराध जगत में तूती बोलती थी, लेकिन महज 46 की उम्र में आतंक का पर्याय बने अब्दुल लतीफ का एनकाउंटर हो गया. 28 नवम्बर 1997 को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ में लतीफ को मार गिराया. इसी लतीफ का नाम लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी की सरकार ने सारे माफिया का खात्मा कर डाला. भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई अने समग्र गुजरात नी अंदर थी माफियाओ, दादाओ अने गुंडाओ ने समाप्त करवानू काम आ भारतीय जनता पार्टी नी सरकार है. आजे समग्र गुजरात अने सौराष्ट्र मा दादाओ होय तो एक दादो गामड़ा मा हनुमान दादा सिवाय कोई दादा नहीं. तो जब गृह मंत्री की चुनावी रैली में डॉन अब्दुल लतीफ का जिक्र आया तो बात दूर तक पहुंच गई. गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने उनके दावे को चुनौती दी. वाघेला ने एबीपी न्यूज से कहा, लतीफ का एनकाउंटर बीजेपी सरकार ने नहीं बल्कि उनकी सरकार ने करवाया था. बीजेपी की साजिश थी, प्लानिंग था लतीफ को जेल में से निर्दोष छोड़ने का. और रिकॉर्ड आई एम सेइंग एनकाउंटर फिर कैसे हुआ 97 का? जो देखिए वो तो जो पुलिस डिपार्टमेंट जो समझता है कि भी एंटी नेशनल लोग हैं, इनको एनकाउंटर कर लेते हैं, दैट इज गवर्नमेंट टू डिसाइड. तो डॉन और माफिया के खात्मे का क्रेडिट लेने की होड़ अपनी जगह है, लेकिन डॉन को वाघेला ने जो उदारता का सर्टिफिकेट दिया है उस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साध दिया. बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एबीपी न्यूज पर वाघेला के इंटरव्यू का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, कांग्रेस का समर्थन कर रहे पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला ने दाऊद गैंग के डॉन अब्दुल लतीफ को उदार, पॉपुलर और गरीबों की मदद करने वाला बताया. कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी रैली में अब्दुल लतीफ के आतंक को खत्म करने का जिक्र किया था. कांग्रेस और आपको वोट मतलब लतीफ का आतंक. तो इस तरह मौत के 25 साल बाद चुनावी रणभूमि में डॉन के नाम की गूंज सुनाई दे रही है. Thank you.